तो अगर आप लोगों को सही से फेशियल स्टेप सीखना है तो ये वीडियो आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को डमी पर सारे फेशियल स्टेप सिखा रही हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल, और आप देख रहे हैं 45 डेज की ब्यूटी पार्लर कोर्स की क्लासेस, जिसमें आप लोग घर बैठे ए टू जेड पार्लर का कोर्स सीख रहे हैं। और ये अच्छी बात ये है कि इस कोर्स में आप लोगों को साथ साथ सर्टिफिकेशन भी मिल रहा है, यानी कि एक ये सर्टिफाइड कोर्स है। आप कैसे इस कोर्स को करने के बाद, ये 45 डेज की क्लासेस के बाद अपने पास तक सर्टिफिकेट ले सकते हैं, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां जाकर अपने जो भी आपको क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। और बहुत ही अच्छा ये सीरीज चल रही है और बहुत आप लोग पसंद कर रहे हैं, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। इससे पहले हमारी कुछ क्लासेस ऑलरेडी आ चुकी है पार्लर से रिलेटेड, जैसे कि थ्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वैक्स कैसे करें, और इसके अलावा D10, क्योंकि अब हमारा स्किन की थ्योरी चल रही है, तो आपको स्किन में सबसे पहले इसे जानना कि ब्लीच कैसे होता है, D10 कैसे होता है, कौन से स्किन पे आपको ये सारी चीजें देनी चाहिए। ये सारी चीजें मैं डिटेल पूरा समझा चुकी हूँ लास्ट कुछ क्लासेस में, जो लास्ट की क्लासेस निकली हैं। और आज का जो वीडियो है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को फेशियल बताने वाली हूँ, जो पार्लर से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अब इसमें कई बार ना लोग ये पूछते हैं कि दी हम कौन से स्किन पर कौन सा फेशियल करें, ये टॉपिक तो मैं आप लोगों को बताऊंगी अभी आगे आने वाले वीडियोस में भी, और इसमें भी मैं आप लोगों को बहुत जल्दी से क्लियर कर दूंगी, क्योंकि इतनी कोई ऐसी चीज नहीं है ये कि कौन से स्किन पर कौन सा करें। क्योंकि आजकल जब भी आप प्रोडक्ट लेने जाते हैं मार्केट में, कोई भी फेशियल का प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, या कोई भी प्रोडक्ट, इवन आप अपने फेस ऑयल भी लेने जाते हैं, तो उसमें सब कुछ लिखा रहता है कि ये ऑयली स्किन के लिए है, ये सेंसिटिव स्किन के लिए, इस तरीके से सब चीजें आप लोगों को डिटेली समझ में आ जाती है। लेकिन उसके बाद में मैं आप लोगों को इस वीडियो में आगे ब्रीफली समझा दूंगी कि आप लोगों को कौन सा स्किन पे कौन सा फेशियल देना चाहिए, बट उससे पहले मैं आप लोगों को हल्का सा ये बता दूं कि फेशियल बेसिकली हम किसे कहते हैं। मैं क्विकली आप लोगों को ये समझाना चाहती हूँ कि फेशियल होता क्या है। फेशियल एक्चुअली जब भी आप करते हो किसी के क्लाइंट पे, या तो उनके स्किन पे बहुत ज्यादा टैनिंग हो रही होगी, या फिर उनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो रही होगी, आपके पार्लर पे कोई भी फेशियल कराने इसलिए आएगा क्योंकि उनके स्किन की जो नेचुरल ग्लो है ना वो चला गया। अब वो ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। एक एज के बाद, यानी कि 16 तो आपका टीनेजर एज ग्रुप होता है, तो 16 to 20 आप लोग हमेशा ये ध्यान रखिए कि अगर आप पार्लर का कोर्स सीख रहे हैं तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि अगर आपसे आपके पास 16 से लेके 20 उम्र की कोई लड़की आ रही है आपके पास, तो आप उनको फेशियल रिकमेंड नहीं करेंगे, आप उनको क्लीनअप रिकमेंड करेंगे। अब आप उसे पूछेंगे कि क्लीनअप क्या होता है, वो आगे वीडियोस में समझाऊंगी, क्लीनअप भी समझाऊंगी, लेकिन ये चीज समझना कि आफ्टर 20 एज के बाद, यानी कि 20 के उम्र के बाद, हमारी जो स्किन होती है वो हमारा जो नेचुरल इलास्टिसिटी होती है वो खोने लगती है। इसके लिए आपको हर मंथ फेशियल कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई लोगों का ऐसा मानना है कि हम बहुत ज्यादा फेशियल कराएंगे या फिर हम अपने स्किन पे कुछ कुछ प्रोडक्ट्स लगवाएंगे तो हमारा स्किन खराब हो सकती है, बल्कि ऐसा नहीं होता है। आप ये बात का बड़ा खास तौर पे ध्यान रखिए कि फेशियल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक एज ग्रुप के बाद। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी 20 से 25 की उम्र हो चुकी है तो आपको हर मंथ एक फेशियल लेना जरूरी होता है। अब इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि फेशियल से आपके फेस पे ग्लो आता है, एक मसाज जब हम करते हैं ना तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन की वजह से ग्लो आता है आपके फेस पर। इसके अलावा जो एक इलास्टिसिटी होती है अंदर, जो स्किन में हमारे 3 परतों से हमारी स्किन बनी होती है, 3 लेयर्स होती है हमारे, जो आपको ऊपरी परत दिखती है उसके अंदर 2 परत और होती है, तो आप जब फेशियल करते हो ना तो जितनी भी आप ऐसे समझो कि जब आप हेयर ऑयलिंग करते हैं ना, मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ, क्योंकि अगर अभी मैं आपको पार्लर की लैंग्वेज में समझाऊंगी तो हो सकता है आपकी सारी चीजें ऊपर से निकल जाए। तो इजी लैंग्वेज में ये समझिए कि जैसे कि आपको आप खाना खाते हैं, क्यों? क्योंकि आप अपने बॉडी को नरिशमेंट देना चाहते हैं, राइट? और आपकी बॉडी नरिश होती है खाना खाने के बाद। इसी तरीके से आप जब अपने ऑयलिंग करते हैं अपने हेड पे, अपने ऑयल से मसाज करते हैं, वो क्यों करते हैं? जिससे कि आपके हेयर अच्छे हों, ग्रो करें और ज़रा डेंसिटी आए, इसलिए आप करते हैं। और ऑयल से क्या होता है, आपके स्कैल्प पे नरिशमेंट मिलता है, और आप क्योंकि हम मसाज करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। सिमिलरली जिस तरीके से ऑयलिंग करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है हेयर्स के लिए, इसी तरीके से खाना खाना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, इसी तरीके से फेशियल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है फेस पर ग्लो लाने के लिए। क्योंकि जितने भी आप हम जब सन एक्सपोजर करते हैं, हम बाहर निकलते हैं घर से,
धीरे धीरे ना डस्ट जमा होने लगती है हमारे स्किन पर, हमारे फेस के स्किन पर. सो बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको यहाँ पे समझाया है कि फेशियल बहुत इंपॉर्टेंट है आफ्टर 20-25 एज के बाद, और एज के हिसाब से फिर आप उनको आपके क्लाइंट को फेशियल रिकमेंड करते हैं. अब बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज जो कई लोग ये बात पूछते हैं मुझसे कि दी हम कौन से स्किन पर कौन सा फेशियल करें, बड़ा ही इजी तरीका है. देखो मैं आपको समझाती हूँ, बहुत ही जो मैंने इतने सालों से अपने पार्लर इंडस्ट्री में सीखा है वही मैं आपको एक निचोड़ समझा रही हूँ यहाँ पर, कि अगर किसी की स्किन डल है तो आप ब्राइटनिंग वाले फेशियल्स दीजिए. ब्राइटनिंग वाले बोले तो जैसे कि विटामिन सी के फेशियल, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ जैसे लोटस का, ये आप देख रहे हो जो भी आपको ऐसा दिख रहा है कि स्किन रेडियंस फेशियल. और इसमें आपको दिख रहा होगा कि ऑल स्किन टाइप्स हर फेशियल के ऊपर, चाहे आप VLCC का ले लो, चाहे आप लोटस का ले लो, या फिर का ले लो, या आपके पास आपकी कॉस्मेटिक शॉप पे कोई सा भी फेशियल होगा सब पे लिखा होगा ऑल स्किन टाइप. या फिर अगर आप इस तरीके का VLCC के कर रहे हैं तो VLCC के ऊपर भी सारे टाइप का लिखा होता है कि फॉर फेयर कॉम्प्लेक्शन. तो अब आपको ना अपने पार्लर में ना कुछ कैटेगरीज रखनी पड़ेंगी. तो जैसे कि मैं आपको समझा रही थी, अगर किसी की डल और थोड़ी सी डार्क स्किन है तो आप हमेशा कोशिश करो कि उनको ब्राइट वाले, जैसे कि पर्ल फेशियल देने की कोशिश करो, डायमंड फेशियल देने का ट्राई करिए. उसके अलावा अगर किसी की फेयर स्किन है तो आप उनको गोल्ड फेशियल दे सकते हैं. कोई आपके पार्लर पे आया है जिनको सिर्फ पिंपल्स के कारण मतलब बहुत ज्यादा परेशान है वो, तो आप अपने अपने पार्लर पर एक ट्रीटमेंट काइंड ऑफ फेशियल भी रखो. जैसे कि अगर पिंपल्स वाला है तो पिंपल्स की कैसे उनको क्योर कर सकते हैं, तो अलग से जैसे टी ट्री वाले प्रोडक्ट्स आते हैं या फिर ओनली पिंपल्स के लिए आते हैं, ये सारी चीजें आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगी. इसके अलावा अब मैं बात कर लेती हूँ ब्राइडल, अगर आपके पास कोई ब्राइड्स हैं आप ब्राइड्स को कौन से फेशियल दे, ब्राइड्स को बहुत अच्छे फेशियल्स हैं. आप O3 प्लस का फेशियल दे सकते हैं जो मास्क वाला होता है, वो बहुत अच्छा होता है. आगे आने वाले प्रैक्टिकल वीडियोस में आपको सारे फेशियल्स हम करके दिखाएंगे, लेकिन ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं इसको कि मैं ट्राई कर रही हूँ थोड़ा सा जल्दी भी समझाने के, जिससे कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो. क्यों? क्योंकि मैं आपको आगे इसी वीडियो में प्रैक्टिकल डमी पे बताऊंगी स्टेप्स फेशियल के, जो आप लोग घर पे बैठ के प्रैक्टिस करेंगे. सो बेसिकली मैं आपको यहाँ पर ये समझा रही थी कि जैसे अगर ब्राइड आ रही है आपके पास तो आप उनको O3 प्लस के फेशियल दे सकते हैं, अदरवाइज आपका स्मारा का फेशियल. ये डिपेंड करता है कि आपकी क्लाइंट का बजट क्या है, ठीक है, बजट के अकॉर्डिंग आप उनको रिकमेंड करेंगे फेशियल्स. तो बड़े ही इजी शब्दों में मैंने आपको यहाँ पर ये बता दिया कि किसी की डल स्किन है तो आप हमेशा सिल्वर वाले, जो व्हाइटनिंग वाले फेशियल्स होंगे वो देंगे, और अगर किसी के व्हाइट स्किन ऑलरेडी फेयर है और वो आपका क्लाइंट और उनको फेशियल कराना है तो आप उन्हें गोल्ड फेशियल भी कर सकते हैं, वाइन फेशियल भी कर सकते हैं. और अगर किसी की बहुत ज्यादा मेच्योर स्किन है यानी कि 35-40 से ऊपर चले गए हैं, उनको एजिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा दिखने लगे हैं अपने फेस पर, तो आप उन्हें एंटी एजिंग वाले फेशियल्स देंगे. आई थिंक मैंने बड़ा ही अच्छे से आप लोगों को ये चीज समझा दी है. अब इसके आगे आप देखोगे कि फेशियल के स्टेप्स क्या होते हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. जो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको वीडियो में दिखाया था कि इस वीडियो में ये जो थ्योरी बोल रही हूँ ये इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट थी, और अब आपको ये समझना कि स्टेप क्या होते हैं फेशियल्स के, क्योंकि ये जो स्टेप होते हैं ये हर जगह काम आएंगे, आपके क्लिंजिंग में काम आएंगे, आपके क्लीनअप में काम आएगा, और आपकी हर फेशियल में ये काम आएगा, चाहे आप कोई सा भी फेशियल उठा लीजिए स्टेप्स यही होते हैं. तो चलिए स्टेप्स देखते हैं और समझते हैं कि हम किस तरीके से फेशियल करते हैं. तो आज मैं आप लोगों को यहाँ पर डमी पर सिखाने वाली हूँ कि कितने स्टेप्स होते हैं, और इन स्टेप्स को ही हम पूरे फेशियल में क्लीनअप में यूज करते हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम जनरल स्टेप से. तो सबसे पहला स्टेप होता है जनरल स्ट्रोक. इसमें हम अपने चार फिंगर्स की मदद से चिन से शुरू करते हैं, उसके बाद नोज के पास ले जाकर फोरहेड पर लेकर जाते हैं, और उसके बाद वापस लाकर चिन पर छोड़ देते हैं. बिल्कुल इसी तरीके से ये हमारा जनरल स्ट्रोक होता है. हर स्टेप के बाद हम इस स्टेप को बार बार फॉलो करते हैं, और 4-5 बार आपको जनरल स्ट्रोक करना होता है जब भी आप फेशियल स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट मैं आप लोगों को यहाँ पर स्टेप दिखा रही हूँ जो कि है आईज के स्टेप, जो कि आईज के चारों और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं रिंग फिंगर की हेल्प से.
ये इससे क्या होता है, जितनी भी पफी आईज होती हैं वो कम होती हैं और आंखों के आगे आगे जितना भी स्ट्रेस होता है आंखों का वो खत्म होता है। तो इस तरीके से आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रिंग फिंगर की हेल्प से करना होता है मसाज। नेक्स्ट एक यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, जब भी आप कोई भी स्टेप कर लेंगे, जैसे कि आपने आई मसाज कर लिया, उसके बाद आप जनरल स्ट्रोक करेंगे, हर जब भी आप कोई भी पार्ट का मसाज कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपको हमेशा जनरल स्ट्रोक करना है, उसके बाद आप स्टेप को क्लोज करेंगे। नेक्स्ट आपको फोरहेड पे करना है। फोरहेड पे कुछ इस तरीके से आप फिंगर्स को रखेंगे, आप वीडियो को ध्यान से देखिए, और इसको हम सीजर स्ट्रोक बोलते हैं, और ये भी आप 5 से 6 बार इसका रिपीटेशन करेंगे। हर स्टेप्स का आपको 5 to 6 times करना है, और यही सारे स्टेप आपको जब आप जेल से मसाज कर रहे होंगे तब यूज करना है, और यही सारे स्टेप स्क्रब के टाइम पे यूज करना है, और यही सारे स्टेप्स आप जब मसाज करेंगे क्रीम से तब करना है। और हमेशा हर स्टेप के बाद आप इसको लॉक करेंगे कुछ इस तरीके से फोरहेड पर प्रेस कर हुए। नेक्स्ट आप इस तरीके से जॉ लाइन को दोनों फिंगर से आप पिंच करेंगे और इसको प्रेस करेंगे। ये भी स्टेप आपको 5 to 6 times करना है। बेसिकली हमारे 7 to 8 steps होते हैं और बस इन्हीं स्टेप्स को आपको रिपीट करना होता है। तो ये आपने देखे 6 to 7 steps जिसको कि आपको फॉलो करने हैं, और इनकी आप प्रैक्टिस करें। आप डमी चाहें तो इस तरीके से डमी ले सकते हैं, डमी पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने किसी भी आपके फैमिली में कोई मेंबर हो उनके ऊपर कर सकते हैं भी क्रीम से मसाज। पहला फेशियल में आपको इसी तरीके से जब भी आपको फेशियल सीखना है तो इस तरीके से आपको स्टेप्स की बहुत ज़्यादा क्लियरिटी होनी चाहिए, और इस तरीके से मसाज आपको करनी होती है जो कि मैंने आपको दिखाया। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी प्रैक्टिकल कि किस तरीके से हम फेशियल करते हैं।